मेरे गोद में से ऐसा पकड़ा कि हमारा तो देख के हिम्मत ऐसा हो गया कि हमारा आवाज़ ही बंद हो गया। ये हाल था कि हमारा पूरा जैकेट, मैडम का पूरा कुर्ती, मतलब खूनों खून हो गया। हम लोग फिर फटाफट बुराड़ी हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन तक तो इसका खून बंद नहीं हुआ था सर, 3 दिन तक। और 4th दिन में कुत्ता काटा, हम टाका नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरी उनको लगाना पड़ा कि इतना बड़ा जख्म है, ये नहीं भरेगा। इसके काटने से पहले 7 दिन पहले एक और बच्चे को काटा है इस कुत्ते ने। हर सुबह इसी तरह फुसलाते रहते हैं, उसके बाद बच्चे कभी चुप नहीं रहती है। बच्चे के बहुत सारा जख्म है, इसके टाके भी लगे हैं, 7-8 टाके लगे हैं। यदि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, और हादसा भी तब जब आपके साथ में आपके पोती या आपका कोई ग्रैंड चाइल्ड हो, वो आपकी गोदी में हो, और उसे अचानक ही पड़ोस का कोई पेट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई पालतू कोई जानवर आकर उस पर हमला कर दे। और यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि वो जानवर पालतू जानवर नहीं है, वो एक ऐसी नस्ल का कुत्ता है जो भारत के अंदर बैन है। पिटबुल डॉग ने इन महाशय के पोती के पर 2 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे के करीब, जब ये मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, वॉक पर जा रहे थे, तो उस पिटबॉल ने उस बच्ची पर हमला किया। हमला भी इतना ज़ोरदार किया, उस बच्ची की जो थाई थी उस पर जांग को अपने जबड़े में ले लिया, जिससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, बच्ची को बचाने की कोशिश करते, काफ़ी बड़ा घाव उस कुत्ते ने इस नन्ही सी जान को दे दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन उस बच्ची को उस कुत्ते के चंगुल से तो बचा लिया गया, लेकिन मामला अभी यहीं पर नहीं रुकता। उस बच्ची को इलाज के लिए ले जाया जाता है बुराड़ी हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे फिर रेफ़र कर दिया जाता है बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी उसका इलाज नहीं हो पाता और उस बच्ची को फिर से रेफ़र कर दिया जाता है RML में। लगभग 17 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 17 दिन ये बच्ची हॉस्पिटल में रही, और बताया जा रहा है कि इस बच्ची को जो घाव हुए थे इतने गहरे थे कि लगभग 8-9 दिन तक इस बच्ची के जिस्म से ब्लीडिंग होती रही। तो यानी कि इसी पूरे मामले को इतना आसानी से समझा जा सकता है कि उस कुत्ते ने कितनी निर्दयता के साथ इस मासूम सी जान पर हमला किया। और देखिए पुलिस की लापरवाही, दिल्ली पुलिस जो कहती है, दिल्ली पुलिस आपके साथ, उसने मामले के 17 दिन बाद यानी कि 19 जनवरी को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की, FIR दर्ज की, और इस FIR के अंदर पुलिस कर्मियों ने जो मेंशन किया है वो पालतू कुत्ता मेंशन किया है, जबकि वो कुत्ता था भारत में नस्ल बैन थी, जो जिस नस्ल का कुत्ता बैन था यानी कि पिटबुल भारत के अंदर बैन है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिटबुल कुत्ते को आप नहीं पाल सकते भारत के अंदर, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और दिस इज़ बैन्ड। और पुलिस कर्मियों ने इस FIR के अंदर उस कुत्ते की नस्ल का जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी कमजोरी जो रही वो पुलिस कर्मियों की ये रही। और 19 तारीख को इसकी FIR हुई, यानी कि मामले के 17 दिन तक। तो चलिए क्या था पूरा मामला इनकी जुबानी बताते हैं। हमारे साथ में जागेश्वर कुमार मेहता जी हैं, बुराड़ी में रहते हैं। ये घटना बुराड़ी की है, दिल्ली की बुराड़ी की, बुराड़ी का अजीत नगर एरिया पड़ता है। तो चलिए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं पूरा मामला। जागेश्वर जी, पहले तो हमारी सांत्वनाएं आपके साथ है कि आपके परिवार की बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी सर, तो क्या हुआ था, पूरी वारदात हमें बनाइए। बच्चे के लेके गोद में घूम रहा था, उधर से वो कुत्ते लेके आया और मेरे गोद में से ऐसा पकड़ा कि हमारा तो देख के हिम्मत ऐसा हो गया कि हमारा आवाज़ ही बंद हो गया। बड़ा मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब हल्का निकला, उसके बाद बच्चे उच्चे सारे दौड़े, पूरा फैमिली वहाँ आया, तब जाके किसी तरह से हम लोग बच्चे को उसके मुँह से निकालने, और निकालने का बाद फिर वहाँ देखे, जब उसका
पैंट उंट उतार करके बच्चे को, तो ये हाल था कि हमारा पूरा जैकेट, मैडम का पूरा कुर्ती मतलब खूनो खून हो गया। हम लोग फिर फटाफट बुराड़ी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ 2-3 घंटा तक देखभाल हुआ। वहाँ के बाद हम लोग फिर यहाँ से हिंदूराव गए, 1.5 साल की बच्ची है सर ये। उसके बाद वहाँ से फिर हिंदूराव में भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ से फिर हम लोग राम मनोहर लोहिया लेके गए, वहाँ जा करके थोड़ा सा इलाज हुआ। इलाज हाँ। अच्छा, जिनका कुत्ता था ये, क्या उन आपके पड़ोसियों ने आके आपसे कोई माफ़ी मांगी या किसी तरह का आपको हरजाना देने की बात की? नहीं, माफ़ी वाफी कुछ नहीं मांगा। मैंने खुद बुला करके बैठा करके 2-3 बार उससे रिक्वेस्ट किया कि जो होना तो हो गया, अब तुम क्या करोगे मुझे बता दो, नहीं बताना है तो बता दो, ठीक है। हमने खुद 3 बार बुला करके बैठा करके पूछा, उसके बाद भी उन लोग कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं किया। और दूसरा क्या है, हम लोग बोले थे कि डॉक्टर बोला है 15 दिन कुत्ते को यहाँ रखना, 15 दिन बाद हटा देना। 16वां दिन नहीं, हम कुछ बोले 17वां दिन में हम जब उसके लड़के को बोले कि इस कुत्ते को क्या हुआ, क्यों हटाया, तो उसका लड़का ऐसा अकड़ के बोल रहा है कि अभी नहीं हटाएंगे। यानी कि वो कुत्ता अभी भी इनके घर में रहा है? अभी भी इनके घर पे ही है कुत्ता। सर, आपने बताया कि आपकी बच्ची को राम लोहिया अस्पताल में रखा गया, तो इलाज के दौरान कितने दिन तक इसका इलाज सीरियसली चला, क्या क्या आपको बाधाएं आई? बच्ची को आपने बताया कि खून की भी ज़रूरत पड़ी थी। 3 दिन तक तो इसका खून बंद नहीं हुआ था सर, 3 दिन तक। और 4थे दिन में कुत्ता काटा, हम टाका नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरी उनको लगाना पड़ा कि इतना बड़ा जख्म है ये नहीं भरेगा, लेकिन इसके भरने के चक्कर में हमें मजबूरी में इसको टाका को हमें लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और कम से कम 20-25 बोतल पानी से हम लोग वहाँ इस जख्म को साफ किए हैं और डॉक्टर भी किए हैं, उसके बाद भी खून में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप बता रहे हैं राम लोहिया अस्पताल में? हाँ जी। मतलब कि यहाँ से पहले आप लेके गए बुराड़ी, बुराड़ी से सेम डे उसी दिन? हाँ, उसी दिन फिर हम हिंदूराव से फिर वहाँ गए। उसके बाद जब कुछ दिन और हुआ, उसके बाद इसका जब खून का जांच हुआ तो ब्लीडिंग का भी इतना कमी आई कि फिर इसको ब्लीडिंग चढ़ाना पड़ा सर, ब्लड चढ़ाना। हाँ सर। अच्छा, तो पुलिस की भूमिका के ऊपर क्या कहते हैं? पुलिस के भूमिका का हमारे कि इसके ये कुत्ता है, इसका कोई वो केस नहीं बनता है, छोटा मोटा केस होता है, आप आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो वही ठीक रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। सर, उस दिन जब आप बच्ची को, बच्ची के साथ जा रहे थे, बच्ची आपकी गोद में थी? हाँ सर। झपट्टा मारा आप? हाँ जी, हाँ जी सर। झपट्टा मारने के बाद बच्ची की जान पकड़ ली? हाँ। तो क्या वो कुत्ता का मालिक उसके साथ में था, कैसे? मालिक साथ में था, लेकिन उतना वो कस के वो नहीं पकड़ रखा था, बेल्ट लगाई थी, बेल्ट लगाया हुआ था, लेकिन वो इतना कस के नहीं पकड़ रखा था, उसके कंट्रोल में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। यानी कि अगर वो जान के बदले अगर और कहीं ग्रिप मारता, अगर ये मेरे गोद में नहीं होता ना, तो वो कहीं भी मार सकता था, गर्दन पे चल रहा होता तो बच्चा तो वहीं ख़त्म था सर, कहीं पकड़ता, कहीं भी पकड़ सकता था और कहीं भी लेके भाग जाता। इतना शुक्र है कि हमारे गोद में है कि बच्चा अभी थोड़ा ठीक है, नहीं तो ये बच्चा बिल्कुल कहीं का नहीं रहता। 1 हफ्ता दिन हमारा बच्चे के काटने से पहले 1 हफ्ता दिन पहले एक और बच्चे को काटा है इस कुत्ते ने। यानी कि इस कुत्ते की आदत है? आदत है सर, इसको लग गया है। तो मोहल्ले पड़ोस वाले शिकायत नहीं करते? मोहल्ले पड़ोस में कहा नहीं कि आपका कुत्ता ऐसे करता है तो इसको क्यों रखा हुआ आपने? नहीं, मोहल्ले पड़ोस वाले कुछ बोल, अभी जितने भी मोहल्ले पड़ोस वाले यही चीज़ बोले कि तुम इसको हटा दो यहाँ से, बिल्कुल हटा दो, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया अभी तक। इसी बीच में बच्ची की माता हमारे साथ में है। मैम, आपका नाम क्या है? अंशु कुमारी। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये हादसा ही है, तो बहुत पेनफुल है बच्ची के लिए। तो इलाज के बाद जब से घर आई है तो किस तरह की दिखते आ रही है? बच्चा को रखने में सारा परिवार रहते हैं, ये तो बच्चा हर समय रोती रहती है, चुप रहती नहीं, जब किसी को देखती डर बढ़ जाता है, हर समय इसी तरह फुसलाते रहते हैं। उसके बाद बच्चा कभी चुप नहीं रहती है, बच्चा के बहुत ज़्यादा बहुत सारा जख्म है, इसके टाके भी लगे हैं, 7-8 टाके लगे हैं, और इसके फ्रैक्चर भी 3 हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर ने बोला है अगर हड्डी नहीं जुटी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगेगा, आगे इसकी बहुत लंबी जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री है। सर, मेरा हम इनका पति मेरा द्वारी पर घुमा रहा था बच्चे के, सुबह के टाइम 9:30 बजे तो हम पूजा कर रहे घुसने थे, फिर मेरे पति के हु हु आवाज़ एक बार आएगी कि ये क्या हो गया, तो हम लोग भी दौड़े कि कुत्ता की मेरा बच्चा के झपट रहा खा रहा था, तो इनके आवाज़ें नहीं आ रहा था। पहले बेटा कूदा बड़ा वाला, तकर बाद छोटा बेटा कूदा, तकर बाद बेटी कूदी, तकर बाद लठ लेके हम कूदे,
तो बेटा फिर नहीं छोड़ रहे, लठ मारे को डंटा मारे कुछ नहीं छूट रहा था। तकर बाद एक बेटा उसको ऐसे पकड़ के खींचा चबड़ा, ये बहू खींची तो बेटा फिर पूरा उंगली खा गया। तकर बाद सर वहाँ से बच्चा कोई तरह छोड़ा है तो पूरा पैर खा गया था। यहाँ से फिर गए बुराडी हॉस्पिटल, वहाँ पर कोई थोड़ा बहुत पट्टी सट्टी हुआ, खून बंदे नहीं हो रहा था, तो वहाँ से बोले कि जल्दी जल्दी लेकर जाओ नथु भाग जाओ थी हिंदू राम भाग जाओ। तो वहाँ फिर गए, वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ इसको इलाज नहीं है, उमराम रोहिया लेकर भाग जाओ। तो वहाँ से सर हम लोग 2:30 बजे अटे वहाँ पर, एक डेढ़ घंटा फिर ऐसे वैसे मेरा करने लग गया। तकर बाद बच्चा फिर अंदर लेके फिर धुलाई उलाई करा, 20 बोतल से फिर खून बंद नहीं हो रहा था। फिर 3 दिन सर इसका खून खून के बाढ़ चलते रहा और बच्चा की कोई सुनवाई ना, 10 दिन बच्चा के मुंह पे कुछ नहीं गया, सिर्फ खाली थोड़ा थोड़ा सिलिन से खाली दूध जाता था। और हम लोग अभी भी डर है, छोटा बच्चा है सर, कि घर से निकलते हैं तो डंटा लेके निकलते हैं कि इधर पीछे से दादी कि मेरा कि फिर न काट ले ऐसे मेरा बच्चा है। और हम लोग के डर है कि उधर भी मेरा घर है, डर से निकलते हैं तो लठ लेके निकलते हैं हम लोग। सर ये करवाए मेरा छोटा बच्चा के कैसे का होगा सर, इसका कानून चाहिए मुझे और उसका सजाई चाहिए हम लोग के। यानी कि देख सकते हैं कि एक जरा सी लापरवाही से कितने कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। ये मामला दिल्ली का कोई अपना पहला मामला नहीं है, अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली के अंदर आए दिन इस तरह की घटनाएँ आती रहती हैं कि एक कुत्ते ने किसी बच्चे पर अटैक कर दिया, किसी महिला पर अटैक किया, किसी पुरुष पर अटैक किया। आखिरकार यदि किसी जानवर पर कोई थोड़ा सा जुल्म या अत्याचार होता है तो तमाम एनजीओ उनके फेवर में आके खड़ी हो जाती हैं कि आपने उस जानवर को मारा क्यों। लेकिन जब कोई जानवर इस मासूम बच्चे के ऊपर हमला करता है और जानलेवा हमला करता है, तब कोई इस तरह की एनजीओ सामने नहीं आती, ना ही पुलिस और ना ही प्रशासन और ना ही कोई अड़ोस पड़ोस के लोग और ना ही कोई व्यवस्था आती है इस तरह के बच्चों की मदद करने के लिए। ये अपने आप में देश की राजधानी ही नहीं अन्य महानगरों की भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि आखिर जो लोग अपने पालतू पालते हैं, यानी कि जो भी अपने पेट्स रखते हैं, आखिर उनको वो पेट्स रखने का ही शौक है, उनके साथ उनको किस तरीके से रखा जाता है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं ताकि उनके पालतू पशु से या उनके पालतू से यानी कि उनके पेट से उनके अड़ोस पड़ोस में कोई हानि ना हो, कोई क्षति ना हो। देख सकते हैं कि किस बड़ी पीड़ा से ये बच्ची जूझ रही है, इसके भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रहण सा लगा हुआ है। जब तक ये बच्ची अपने आप अपने पैरों से दौड़ भाग नहीं पाएगी तब तक इसकी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसके माँ बाप और इसके ग्रैंड पेरेंट्स को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर उस सुकून का, उस मानसिक उत्पीड़न का कौन हर्जाना देगा, कौन इसके लिए आगे आएगा? इसके बारे में हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, हमारी सरकारों को और तमाम एनजीओस को भी सोचना होगा कि आखिर आए दिन आने वाली इस तरह की वारदातों पर, इस तरह की आने वाली रोज़ आए दिनों की घटनाओं पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। ये बहुत सोचने का विषय है, आप भी सोचिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के लिए जय हिंद जय भारत।